एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मम्मा क्या हुआ? पैंट धोना भीग गया। हाँ, ये गाड़ी धोने गया था तो भीग गया पूरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहा है सुबह का 8 और सुबह में उठ के चाय वाय पी लिया है। अभी नहाऊंगी, नहा के बस रेडी होके निकल जाऊंगी। रुको, दो मिनट रुको, नहला दूंगी, गर्म पानी करूंगी, गर्म पानी से मैं नहाऊंगी, बाबू को नहलाऊंगी और बस निकल जाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन के जाऊंगी, देखती हूँ अभी क्या होता है, क्योंकि ससुराल जा रही हूँ तो साड़ी पहन के जाना बनता है। ऐसे मेरे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ससुराल में कि साड़ी ही पहनना है, सूट पहनना है, ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मन है मैं जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा बहुरानी बन के जाऊँगी, तो इसलिए साड़ी और भर भर के चूड़ी भी पहनूंगी। साड़ी मैंने निकल के रखा है, बात कर लेते हैं और पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है। बाबू का ड्रेस और मेरा एक साड़ी मैं निकल के रखी हूँ। आ रही हूँ। तो आज बहुत जल्दी उठी हूँ, उठ के दो वीडियो एडिट करके उसको अपलोड कर ली, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है और मैं आप लोग से ब्लॉग भी शेयर नहीं कर पाऊँगी अगर मैं अपलोड करके नहीं लेके जाऊँगी तो। ऐसे तो एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ तो दो ब्लॉग में क्या होगा, फिर भी मैं देखूंगी। अगर ब्लॉग मेरा कंटिन्यू नहीं आ गया तो आप लोग समझ जाइएगा कि नेटवर्क इशू के वजह से मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, तो इसीलिए दो ब्लॉग मेरे पास था, तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के एडिट करके उसको अपलोड कर ली हूँ। ठीक है ना, सुबह 5 बजे उठी थी मैं, अभी 8 बज चुका है, 6, 7, 8, 3 घंटा लग गया मुझे दो ब्लॉग एडिट करने में और उसको अपलोड करने में। और आज धूप हुआ है, जैसे कल पूरा बादल छा के रखा था, धूप ही नहीं था, लग रहा था कि ठंड फिर से आएगा लेकिन ठंड है ही नहीं पूरा धूप है, देख लीजिए आप लोग भी, ये देख लीजिए इधर से धूप आता है, इधर कितना धूप है। तो चलिए फिर, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, मैं सोची ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ फिर आप लोग से बाद में मिलती हूँ। और ये गए हैं गाड़ी धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए बाबू भी गया था, ये भी गया था, दोनों साथ में गए थे। ठीक है, तो चलिए फिर, क्या हुआ, चलो चेंज कर देते हैं। नहाएगा नहीं बाबू? नहीं नहाएगा? और मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये वाली साड़ी मैं पहन के जाऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये साड़ी पहनी हूँ और गाड़ी से जब उतरूँगी तो मैं पल्ला ले लूँगी। अभी तो फिलहाल ऐसे ही रहने देती हूँ, सीधा पल्ला, क्या सीधा पल्ला, सॉरी सीधा पल्ला नहीं है, एकदम से इस तरह क्या दिखा देती हूँ मैं, ये देख लीजिए। तो चलिए फिर, लेट हो जाएंगे तो ये डांटेंगे, ऑलरेडी लेट हो चुका है। और आज मैं पीछे सीट पे बैठी हूँ, आगे सीट में बाबू बैठा हुआ है और वो कब तक बैठेगा देखता हूँ, क्योंकि वो पीछे सीट में बैठता है ना तो आराम से वो सो के लेट के जाता है, तो वो कुछ ही देर में आ जाएगा मुझे पता है, क्योंकि वो
गाड़ी में उठते साथ ही उसको सोना है, लेटना है, तो चलो उसका शौक भी पूरा कर देते हैं, जाने देते हैं। हम भी थोड़ा पीछे सीट का मजा लेते हैं, पीछे सीट में भी अच्छा लगता है, आराम से बैठ के जाओ, बाहर का व्यू देखते देखते जाओ। जस्ट अभी अभी हम लोग निकले हैं, कितना बज रहा है टाइम को तो बचे को 10:30 हो चुका है टाइम, और बस निकल गए हैं। और कितना टाइम लगेगा पहुँचते पहुँचते पता नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मायके जाते हैं तो 2 घंटा लगता है, लेकिन अभी ससुराल जाते हैं तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो चलिए फिर মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী অনেকদিন হলো গত হয়েছে, মেয়েটি চলে যাওয়ার পর বাড়িতে উনি একাই থাকেন। উদ্যালোকে চেয়ারটা। सो गाइज़, अभी मैं आ चुकी हूँ ससुराल पे, और आप लोग देख सकते हैं अभी चाय नाश्ता कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा बाहर टहल रहे थे इसीलिए मैं अकेले, और देवरानी लोग को मैं बोल रही थी कि आओ आओ, लेकिन वो लोग ना आने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था, तो आएगा धीरे धीरे। तो तब तक मैं ही कर रही हूँ चाय नाश्ता, तो फिर उसके बाद आप लोग को गार्डन घुमाने के लिए ले जाऊँगी, ठीक है। सो गाइज़, अभी मैं आप लोग के साथ ससुराल का एक छोटा सा झलक शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना सारा हेन है, तो ये हेन ना अंडा देता है, मतलब ये हेन से एग मिलता है। और ये जो एक क्या बोलता है मोरक देख रहे हैं ना, ये कल होगा हम लोग के लिए, कल बनाएंगे इसको, रेड कलर का जो मोरक है ना वो उसको। तो चलिए अभी गार्डन में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी शाम लग चुका है और पीछे हमारा गाय है जिसका घी बनता है, मतलब जिसका दूध से घी बनता है। मेरे सासू माँ घर में ऐसे उसको क्या बोलता है, दूध मोहना, पर हिंदी में मुझे नहीं पता है यार क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग मोहना दूध मतलब जो बनाते हैं ना हाथ में घी वैसे ही बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग तीनों देवरानी यहाँ पे हैं, खड़े हुए हैं, और ये लोग वीडियो में आने के लिए तैयार नहीं है। छोटी वाली को तो मैं लेकर नहीं आऊँगी क्योंकि उसको मैं अलग से मिलाऊंगी आप लोगों से, और उसका शादी में हम लोग नहीं आ पाए तो फर्स्ट टाइम मिले उसके साथ, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस साइड में सुर भी है, थोड़ा सा बात कर लो सबसे, कुछ बोलना चाहती हो बोलो, हंस हंस के बहुत ज्यादा शर्मा रही है। और मेरा एक ननंद भी आई है, सकीना, सकीना कल आना जरूर, और हम लोग पहुंच गए थे करीबन 4 बजे ना, 4 बजे हम लोग पहुंच गए थे। फिर उसके बाद गप्पे लड़ा रहे थे और हम लोग वो बहुत सारा हंसी मजाक कर रहे थे, और ये भी सोच रहे थे कि कौन सा वीडियो लाना है आप लोगों के लिए, वही सब सोच रहे थे। फिर उसके बाद मैं बोली चलो गार्डन होके गार्डन में थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो उसके बाद देखिए ये गाय पिछली बार नहीं था ना शायद, इस बार ख़रीदा हुआ है ना, इस बार ख़रीदा हुआ है ये गाय, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। घी वगैरह सासू माँ देती है तो मुझे भी थोड़ा सा जाने का उत्सुक, हाँ मुझे भी थोड़ा सा जाने का उत्सुक होता है कि कौन सा गाय का घी है भाई, इतना सुंदर इतना अच्छा सा घी है। हाँ घी एकदम प्योर घी है, और मतलब बहुत स्मेल बहुत अच्छा आता है घी का, तो आप लोगों ने देख लिए होंगे। और ससुराल का पूरा होम टूर आप लोगों को दूंगी, आप लोग कंटिन्यू रहिए वीडियो में, आज तो शुरुआत है, आगे आगे और भी अच्छा अच्छा व्लॉग आप लोग के लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और अभी शाम लग चुका है तो अभी हम लोग घर की तरफ जाएंगे। ये हमारा गार्डन और थोड़ा सा क्या बोलते हैं गार्डन है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं वही सब है,
तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, बच्चे लोग रो रहा है, देख लेते हैं वो लोग क्या कर रहा है। अभी मैं खाना पीना करके चली आई हूँ और ऊपर आ गई हूँ। अभी मैं साड़ी चेंज करूँगी, उसके बाद मतलब ड्रेस चेंज कर दूँगी, सूट या तो फिर नाइटी कुछ पहनूँगी। और आज मैं साड़ी चेंज नहीं की थी इसलिए क्योंकि मतलब वेदर ठीक था, वेदर के हिसाब से साड़ी मैं कैरी कर पा रही थी, नहीं तो आते साथ ही मैं साड़ी को खोल डालती हूँ। और ससुराल में साड़ी पहनना अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं और रात के टाइम चेंज कर लूँगी जब सोने के पहले, तो इसीलिए। और अभी मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, मैं ना फेस वॉश लाने के लिए भूल गई थी, मतलब फेस वॉश मैंने लाया ही नहीं है, तो क्लींजर से फेस को क्लीन कर लूँगी, नाइट क्रीम लगा लूँगी, बस सो जाऊँगी। और बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। होप कि आप लोग को ब्लॉग क्या मैं बोल रही हूँ, होप कि आप लोग को ब्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ कल एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड।